अलीगढ़ से, जहां पर कारखाने की जर्जर बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हादसे में बिल्डिंग मालिक शाकिर की मौत हो गई है। मलबे से निकाला गया शाकिर का शव। हादसे में घायल चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेसीबी से हटाया जा रहा है बिल्डिंग का मलबा। ये बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलीगढ़ से। कारखाने की जर्जर बिल्डिंग थी जो कि भरभरा कर गिर गई। हादसे में बिल्डिंग मालिक शाकिर की मौत हो गई है। मलबे से शाकिर का शव निकाल लिया गया है। हादसे में घायल चार लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जेसीबी से हटाया जा रहा है बिल्डिंग का मलबा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जर्जर अवस्था में थी ये बिल्डिंग जो कि भरभरा कर गिर गई। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से, कारखाने की जर्जर बिल्डिंग भरभरा कर अचानक से गिर गई। तो हादसे में बिल्डिंग मालिक शाकिर की मौत हो गई है। मलबे से अभी शाकिर का शव निकाल लिया गया है और चार लोगों को जो कि घायल है इसमें, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है इलाज के लिए। प्रमोद हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी सामने आई है, क्या अपडेट? देखिए, पुराना शहर कहे जाने वाले कोतवाली थाना इलाके के ऊपर कोर्ट पर देर रात एक 5 मंजिला इमारत जो है भरभराकर नीचे गिर गई, जिसमें 5 लोग दबे हुए थे। 5 घायलों को देर रात हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं जो बिल्डिंग का ओनर था, उसकी डेड बॉडी आज सुबह जो है जेसीबी की मदद से निकाल ली गई है। और बात अगर मैं बिल्डिंग की करूं तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो ऐसी बिल्डिंगों के ओनर है उनकी गलतियां जरूर सामने आ रही है, क्योंकि नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के माध्यम से बताया भी जा रहा है कि जिनकी पुरानी बिल्डिंग है, कई दिन लगातार बारिश पड़ी है अलीगढ़ में और उन बिल्डिंगों को खाली कर दिया है, बावजूद लोग नहीं खाली कर रहे और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। यानी एक घटना कोतवाली थाना इलाके में हुई है, दूसरी घटना इगलास के बेसवा में हुई है, जहां प्राइमरी पाठशाला की छत अचानक गिर जाती है, जिसमें लगभग 15 बच्चे दब जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाहर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।